हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ज्योति स्टडी सेंटर। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त ज्योति, और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बेटर इंग्लिश कन्वर्सेशन लेके आई हूँ। कन्वर्सेशन के सेंटेंसेस, जब भी आपसे कोई हेल्प मांगता है तो आप यस ओके इतना ही कह के रह जाते होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बेटर इंग्लिश कन्वर्सेशन ला के आई हूँ। एब्सोल्यूटली इट्स माई प्लेजर। अगर आपसे कोई मदद मांगता है और आप कहते हैं हाँ बिल्कुल मेरे लिए खुशी की बात होगी, तो आप कह सकते हैं एब्सोल्यूटली इट्स माई प्लेजर। एब्सोल्यूटली इट्स माई प्लेजर, आप कुछ इस तरह से जवाब दे सकते हैं। अमेजिंग, यू आर द बेस्ट, गजब, तुम सबसे अच्छे हो। सपोज आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपके बोलने से पहले ही आपका वो ज़रूरत पूरा हो जाता है, किसी ने पूरा कर दिया है, तो आप कहेंगे ना अमेजिंग, यू आर द बेस्ट, गजब, तुम सबसे अच्छे हो। यू आर कम्प्लीटली राइट। अगर कोई कन्फर्मेशन के लिए आपसे कुछ पूछ रहा हो तो अगर वो सही है तो आप कह सकते हैं यू आर कम्प्लीटली राइट, तुम बिल्कुल सही हो। कुछ इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। यस या ओके कहने के बजाय आप कुछ इस तरह से जवाब दे सकते हैं जो काफ़ी इम्प्रेसिव लगेगा। डेफिनेटली लेट मी एड इट फॉर यू, डेफिनेटली लेट मी एड इट फॉर यू। सपोज आपने कुछ ऑर्डर किया है ऑनलाइन और आप उसमें कुछ और ऐड करवाना चाहते हैं, तो जो सामने वाला व्यक्ति वो कुछ इस तरह से कह सकता है डेफिनेटली लेट मी एड इट फॉर यू, या फिर इसी रिमूव भी ऐड के जगह कह सकते हैं। हाउ फैसिनेटिंग, आई विल बी श्योर टू चेक इट आउट। आपको कोई आपके फ्रेंड बोल रहे हैं कि उस स्टोर पे जाओ काफ़ी अच्छा है, तो आप कहेंगे ना यस या ओके कहने के बजाय अगर आप ये कहते हैं हाउ फैसिनेटिंग, आई विल बी श्योर टू चेक इट आउट, मैं ज़रूर देखूंगी या देखूंगा। ऑसम, आई कुडंट थैंक यू एनफ। अगर आपकी किसी ने मदद की है तो आप कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं ऑसम, आई कुडंट थैंक यू एनफ। आपकी जितनी मैं आपको जितना मैं थैंक यू कहूँ कम है, इसका यही मतलब है। तो आप कह सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा स्प्लेंडेड, दिस इज़ द बेस्ट न्यूज़। अगर आपको कुछ अच्छा न्यूज़ मिलता है, सपोज आपको ये न्यूज़ मिलता है कि आपका प्रमोशन होने वाला है, तो आप किस तरह से अपनी जाहिर कर सकते हैं अपने भावना को। स्प्लेंडेड, दिस इज़ द बेस्ट न्यूज, बहुत ही अच्छा अच्छी खबर है ये। परफेक्ट, आई एम फैमिस्ट, इसका मतलब मुझे जोड़ों की भूख लगी है। सपोज आप थके हारे घर पे आते हैं और आते ही आपकी मम्मी आपके लिए खाना परोस देती है, तो आप कह सकते हैं परफेक्ट आई एम फैमिस्ट, बहुत सही है, मुझे बहुत जोड़ों की भूख लगी थी। आप कुछ इस तरह से सेंटेंस को कह सकते हैं। दिस इज़ एन एक्सलेंट सजेशन। अगर आपको किसी मैटर पे कोई आपको सजेशन देता है तो, और आपको अगर उनका सजेशन अच्छा लगता है, तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं दिस इज़ एन एक्सलेंट सजेशन, बहुत ही बढ़िया सुझाव है। दिस इज़ एन एक्सलेंट सजेशन, आप कुछ इस तरह से इस सेंटेंस को कह सकते हैं। सुपर्ब, यू आर फैब, मतलब यू आर फैब्यूलस का शॉर्ट फॉर्म है फैब। अगर कोई आपके लिए मदद करता है तो आप ये कह सकते हैं सुपर्ब, यू आर फैब, तुम बहुत अच्छे हो। इस तरह के सेंटेंस को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, ये आपकी कन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने में आपकी हेल्प करेगा। आई थिंक दैट्स अ टेरिफिक ऑप्शन, मतलब बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको किसी तरह का कोई सजेशन देता है तो आप इस तरह भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, आई थिंक दैट्स अ टेरिफिक ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया है सुझाव इस तरह से। ब्रिलियंट, गॉड मस्ट बी हैप्पी टुडे, भगवान अगर आप बिन मांगे बहुत कुछ, अगर आपका दिन बहुत अच्छी तरह से जा रहा है तो आप कहते हैं ना लगता है भगवान आज बहुत खुश है हम पे, तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं ब्रिलियंट, गॉड मस्ट बी हैप्पी टुडे। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बेटर इंग्लिश कन्वर्सेशन जिनको आप यूज़ करके अपने कन्वर्सेशन को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो इसी तरह ज्योति स्टडी सेंटर से जुड़े रहिए। मेरे नए व्यूअर इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसके नए से नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।